हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बहुत ही छोटी छोटी से टॉपिक है, चार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आरएस टर्म्स एंड कपलिंग स्कीम, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग दैट इज एलएस कपलिंग। तो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इस यूनिट के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। करते हैं स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। वी नो दैट एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। वी ऑल्सो नो दैट एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे एटम की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फिनोमिनन को उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के फिनोमिना को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी 281, दैट इज लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस 1 चार्ज होगा, दैट इज ये क्या होगी मेटल। इस तरह हमने क्या पता कर ली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो क्वांटम नंबर हमें बताते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। फोर्थ तरह के क्वांटम नंबर होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिन्हें डिनोट करते हैं एम से, एजिमिथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर जिन्हें एन एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर एस से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्चुअली होती क्या है, होती है द फिलिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी डेफिनेशन है, द फिलिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब पाउल्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि हमेशा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वेरियस ऑर्बिटल्स में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही रहेंगे हमेशा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही रहेंगी हमेशा। नेक्स्ट रूल है हंट्स रूल। हंट्स रूल ने बताया था, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इट स्टेट्स दैट इन पी टी एफ ऑर्बिटल्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नोट टेक प्लेस अंटिल दीज ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, जब तक हमारे पास पी डी एफ ऑर्बिटल्स में पेयरिंग नहीं होगी जब तक इन्हें हाफ फिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि पी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स फिल आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें एक एक ऑर्बिटल में ऐसे फिल अप करने पड़ेंगे, मतलब ये जब तक हाफ फिल नहीं होंगे तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि हम पहले क्या करें फर्स्ट में फिल कर दें इलेक्ट्रॉन्स को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें पहले हाफ फिल करने पड़ेंगे उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन्स को आगे फिल कर सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इन एनी ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विद अपोजिट स्पिन, कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे और वो भी अपोजिट स्पिन के अंदर, ठीक है, मतलब कि स्पिन एक तरफ नहीं, एक साइड नहीं हो सकती, एक डायरेक्शन नहीं हो सकती है, इस तरह नहीं हो सकती है, वो होनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था वोल्फगैंग पॉली जी ने 1924 में, उनको अवार्ड मिला था इसके लिए, नोबेल प्राइज मिला था 1945 के अंदर इस प्रिंसिपल के लिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए। द प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अकर इन एनी क्वांटम ग्रुप। पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पेयर्ड स्पिन के अंदर पड़े हैं जिनको इस तरह डिनोट किया गया है, इनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये जीरो होगा, नेट जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक स्पिन हमारे पास क्या है इस डायरेक्शन में है, दूसरी हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिजल्टेंट स्पिन आएगी वो क्या आएगी जीरो। बाय टोटल वेव फंक्शन इज मेड द एंटायर वेव फंक्शन इंक्लूडिंग द स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स। अब हम कंसिडर कर रहे हैं एक वेव फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ये फैक्ट है कि जो वेव फंक्शन है वो अपना जो साइन है वो चेंज करे ही करेगा जब हम लेबल्स को चेंज करेंगे, मतलब साई 2-1 हमारे पास अगर चेंज हो जाए साई 1-2 में, या फिर 1-2 चेंज हो जाए 2-1 में, तो हमारे पास साइन आएगा माइनस,
ठीक है, हम साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस और माइनस था तो प्लस। एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिन स्टेट्स एज द लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मलाइज, अगर हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा प्लस वन टू सिग्मा, माइनस की बात करें तो वन टू इक्वल्स टू रूट वन बाय में रूट टू अल्फा वन बीटा टू माइनस बीटा वन अल्फा टू। कहने का मतलब है कि जो अलोज वन स्पिन टू भी है अल्फा एंड अदर बीटा, ठीक है, जो अलो वन स्पिन है वो अल्फा होगी, जो अदर होगी वो बीटा होगी, जिनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्बिटल पार्ट एंड वन ऑफ द फोर स्पिन स्टेट, और जो टोटल होगा वो इन सबका प्रोडक्ट होगा, इन चारों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रिंसिपल सेज दैट वेव फंक्शन टू बी एक्सेप्टेबल एज इट चेंज साइन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्वांटम नंबर की बात करें, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2p का एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2p ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें हमारे पास एजीमिथल जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, n इक्वल्स टू 2। जो हमारे पास एजीमिथल क्वांटम नंबर के साथ जो पड़ा होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L दैट इज एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि वो S है, P है, D है, F है या Z है। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है, G के लिए 4 होती है। यहाँ पे P है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, L की वैल्यू 1 होगी। M क्या होता है, M क्या होता है, माइनस एल टू प्लस एल होता है, तो माइनस वन टू प्लस वन होगा इसके लिए। S की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज प्लस माइनस वन रहती है। एंगुलर क्वांटम नंबर L हेल्प्स अस टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन क्वांटम नंबर हेल्प्स टू फाइंड स्पिन। ऑर्बिटल मोमेंटम है वो क्या होता है, सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। When we want to calculate Earth's momentum, तो हमें Earth's momentum निकालने के लिए Earth का spin angular momentum चाहिए, और Earth का जो Sun के respect में orbital angular momentum, मतलब angular momentum है उनका, तो इसका और इसका total जो होगा वो क्या निकलेगा हमारे पास, Earth का momentum। The coupling of L and S is known as LS coupling। ये हमारे पास क्या हुई, L और S coupling हुई, इसी coupling को बोलते हैं LS coupling, that is spin orbit coupling। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना चाहे तो हमारे पास टू फॉर्मूलाज होते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के, ऐसे ही एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों का अगर निकालना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो ये हमारे पास क्या है, ऐड कर दिया जाता है दोनों को। LS कपलिंग को स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी बोलते हैं। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैक्टर एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैक्टर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन में कम्बाइंड टू प्रोड्यूस द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, कि S और L को अगर ऐड कर दे, उनको कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। LS कपलिंग के लिए जो टर्म सिंबल होता है वो होता है 2S प्लस 1 LZ। 2S प्लस 1 होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, S होती है स्पिन, और J होता है हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम J कैसे निकाल सकते हैं, L प्लस में S से। L क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और ये होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल है वहां पे, हमने क्या लिए थे, स्मॉल लिए थे, ये क्या है, कैपिटल है हमारे पास। इन सबको जो छोटे वाले होते हैं L1 L2 L3 जब इनको कंबाइन किया जाता है हर एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है। ऐसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते होते हैं, इन दोनों को एड करके जे निकलता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन करना चाहे हम, मान लीजिए LS एंड जे निकालना चाहे, हम पी स्केयर के लिए निकालना चाहते हैं, पी स्केयर के लिए L1 L2 की वैल्यू क्या होगी, L1 इक्वल्स टू 1 है फर्स्ट के लिए, L2 की वैल्यू फर्स्ट 1 है सेकंड के लिए, 1 और 1 को हम जब ऐड करेंगे तो 210 निकलेंगे। हमने क्या यहाँ से L की वैल्यू निकाल ली, सेम हम S की वैल्यू निकालेंगे, सेम हम J की वैल्यू निकालेंगे, L प्लस S निकालेंगे, तो यहाँ से क्या है हमारे पास L प्लस J निकल जाएगा, और टर्म सिंबल से हम क्या निकालेंगे, टर्म सिंबल निकालेंगे P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। RS जो टर्म होती है वो LS ही होती है, रसेल साउंडर या फिर LS कपलिंग एक ही बात होती है। इसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है, उनकी हमारे पास प्रेजेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो निकालते हैं। सेकंड स्टेप में हम राइट डाउन करते हैं कितनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस है एल एंड एस की, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम डिटरमाइन कर सकते हैं उन टर्म्स को जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास पॉसिबल थी उसके अकॉर्डिंग टर्म्स कितने एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या है कपलिंग करवा देते हैं और हमारे पास रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जे आता है। मान लीजिए हम कंसीडर करें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन एटम के लिए, ठीक है। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम टोटल, ठीक है। उनको उसके बाद निकालने के बाद उनको एड करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, जे मिलेगा, ठीक है। यही जो रिजल्ट मिलेगा हमें इसे रसेल साउंडर कपलिंग बोलते हैं, और हम इसे और भी कैसे कह सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो से दैट सच डिजाइनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ एटम इज कॉल्ड RS कपलिंग एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक टर्म सिंबल। टर्म सिंबल क्या होता है, ये होता है L की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे। S की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1/2, 1, 1/3। 2s+1 की वैल्यूज क्या हो सकती है, S के अकॉर्डिंग होती है तो 1, 2, 3, 4 यही हो सकती है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। L की वैल्यू के लिए SPD, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 ये सब मैंने अभी बताया था आपको। L की वैल्यू टोटल निकालनी हो तो ऐसे करते होते हैं, S की वैल्यू निकालनी हो टोटल तो ऐसे करते होते हैं, और J की वैल्यू निकालनी हो तो L+S, L+S-1 और L-S तक चलता है ये। इस तरह रिजल्टेंट हमारे पास रिजल्ट निकल आता है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।